बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र 7 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाते हैं। जितेंद्र अपनी फिल्मों के अलावा अपने अफेयर्स को लेकर भी बेहद ज्यादा खबरों का विषय रह चुके हैं। खैर, अगर मानी जाए खबरों की तो जितेंद्र के अफेयर की चर्चाएं बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी के साथ भी हुआ करती थी, और आज हम आपको श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये बात साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मतवाला की है, और हिम्मतवाला से ही श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी। खैर, ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के निर्देशक रघुवेंद्र राव से जितेंद्र ने श्रीदेवी को कास्ट करने के लिए बात की थी। वहीं दूसरी तरफ, जब श्रीदेवी को जितेंद्र के साथ हिम्मतवाला के लिए साइन किया गया था तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले ही श्रीदेवी जितेंद्र की बहुत ज़्यादा बड़ी फैन थी। और तो और, अगर खबरों की मानी जाए तो हिम्मतवाला जो ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी, ये जोड़ी बॉलीवुड की हिट बन गई थी। जल्द ही दोनों के रोमांस के चर्चे आम हो गए थे। आपको बताना चाहेंगे कि जितेंद्र को लेकर श्रीदेवी ने अपनी चाहत का इजहार किया तो बात जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर तक पहुंच गई थी। जानकारी देते चले आपको कि शोभा को इस बात की भी खबर थी कि जितेंद्र के कहने पर ही श्रीदेवी को उनके साथ फिल्म में कास्ट किया गया है। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया था। खैर, इस तनाव को दूर करने को लेकर जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों तक बिल्कुल भी भुला नहीं पाई, और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीदेवी ने खुद स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं, और तो और श्रीदेवी के मुताबिक जितेंद्र उनके ड्रीम स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता भी रहा। पर स्टारडम मिलने के बाद श्रीदेवी जितेंद्र से दूर होती चली गई। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अजय की रिपोर्ट।